रीवा में लोकसभा का चुनाव अपने पूरे चरम पर आ चुका है। रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरी नीलम अभय मिश्रा के लिए कांग्रेस नेता पूरी ताकत झोंकने का काम कर रहे हैं। आज रीवा में आयोजित हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता व चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया बल्कि नीलम अभय मिश्रा की जीत का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। अजय सिंह राहुल ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि हमें एकजुटता का परिचय देते हुए जीत का परचम लहराना है। इधर बैठक के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा के पति सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भी बैठक को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर कांग्रेस को जिताने की अपील की। बैठक के उपरांत अजय सिंह राहुल ने मीडिया से भी चर्चा की और चुनावी तैयारियों को लेकर कहा कि धीरे धीरे चुनाव का माहौल बन रहा है और कांग्रेस पार्टी रीवा संसदीय क्षेत्र से बहुत ही अच्छी तरीके से मैदान में आ चुकी है और जीतने की पूरी उम्मीद है। इधर भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा और 400 के पार का नारा लगाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई परिवर्तन होता तो चर्चा करते। उन्होंने कहा कि जनार्दन मिश्रा जी का स्वभाव और उनका कृत्य एक एक बच्चा जानता है, इसलिए उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन हमारी महिला नेत्री नीलम मिश्रा इस चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से जीत हासिल कर रही है। ये बहुत करीबी अपने आप हमारा तो चाहे रमेश सिंह जैसे हो और देवता में काम न करे तो भाई रमेश सिंह का छोड़ दे अलग से पैरा पर जाएगा। ठीक है, मुझे कहा करे ऐसे अपना सबसे रहा है। यह चुनाव यह न माने कि नीलम मिश्रा जी लड़ रही है, ये माने हमें चुनाव लड़ रहे हैं, अपना खुद प्रधान जी का ऐसी तारीफ कर रहे कि हर चुनाव रामपुर लेकिन प्रधान है ये बिल्कुल नहीं है। पूरे टाइम मोहन सिंह जी बैठे गैर राजनीतिक आदमी है लेकिन इनका जहाँ खेती है उनसे से 10 फूले की यहाँ पर संभाल लेके चले जाते हमें पता नहीं चल रहा है कब आए कब चले सब आपन तो अपना से प्रार्थना है कि कहो को ऐसे दिक्कत हो जाती। अब उदाहरण बता दें, एक क्षेत्र है हमारे यहाँ धौली इलाके, धीरे धीरे माहौल चुनाव का बन रहा है और रीवा संसदीय क्षेत्र कांग्रेस पार्टी अवश्य मैदान में बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी है और जीतने की पूरी उम्मीद है। रीवा संसदीय सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से जनार्दन मिश्रा को मौका दिया है, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी 400 पार का नारा भी दे रही है। कोई परिवर्तन होता चेहरे में तो चर्चा भी करते हैं। जनार्दन मिश्रा जी की शैली, उनका स्वभाव और उनके कृत्य एक एक बच्चा जानता है यहाँ पर कि किस लायक है और क्या काम किया है।
मुझे कोई उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन हमारी महिला नेत्री नीलम जी इसमें चुनाव में बहुत अच्छी तरह से चुनाव जीते। संगठन की क्या तैयारी है, क्योंकि आज संगठन के भी तमाम पदाधिकारी हैं, क्योंकि हर बार एक चीज देखी गई पहले के चुनाव में कि संगठन उतना, जिस तरह से हम लोगों ने महापौर का चुनाव लड़ा था राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में, संगठन उनके हाथ में, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा लोकसभा चुनाव हो रहा है।